हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आजकल हरी और बिल्कुल ताजी हरी मेथी का सीजन है। ऐसे में आप पराठे और थेपला, पूरी वगैरह तो इससे बनाते ही हैं, पर इन्हें बनाकर और खाकर आप बोर हो गए तो बिल्कुल नई दो रेसिपीज आपसे शेयर कर रही हूँ आज, जिसे आप बनाना और खाना दोनों पसंद करेंगे। बनाने में तो आसान है ही, खाने में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। रेसिपीज अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। रेसिपीज को बनाने के लिए सबसे पहले ताजी और हरी मेथी को चुनकर रखा है मैंने। पत्ते चुन लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मोटी डंडियाँ हटा दें और इन्हें धोने के बाद थोड़ा सा ड्राई करें ताकि मॉइस्चर, पानी का ऊपर से जो आता है वो ना रहे। इसके बाद इसे बारीक कट करना है। दोनों रेसिपीज का बेस एक ही तैयार करेंगे, इसके लिए ये ज़रूर ध्यान रखें। अब इन बारीक कटी हुई मेथी की पत्तियों को एक बड़े से बोल में डालें। किसी परात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। देखिए कितनी बारीक कटी हैं ये, ऐसा ही आप कट करें। और इसमें कुछ मसाले डालने हैं। सबसे पहले नमक डालें, 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालें, बारीक कटी हरी मिर्च अपनी पसंद के अनुसार, हींग, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा और अजवाइन को ऐसे हाथों से क्रश करके डाला है मैंने, जिससे इसका स्वाद काफ़ी बढ़ेगा। फिर मेथी और मसालों को इस तरीके से हाथ से मसलते हुए मिलाना है, जिससे मेथी और नमक मिलकर पानी छोड़ता है। देखिए उंगलियों में कैसे पानी लग रहा है मेथी का, तो इसी तरीके से 3 से 4 मिनट कर ले। इसके बाद इसमें तेल डाला है मैंने 1 से 1.5 चम्मच। फिर ये बेसन डाला है, मेथी इसी कटोरी से 1 कटोरी ली थी मैंने, तो बेसन भी इतना ही डाल रही हूँ। ये आपकी मेथी कितनी ताजी है इस पर भी डिपेंड करता है। मिक्स करते हुए एक हार्ड डो गूंदें और रेसिपी की सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए दही का इस्तेमाल करें। तो 1 चम्मच के करीब यहाँ पर दही डाला है मैंने। अगर ज़्यादा क्वांटिटी आपको आटा गूंदने में लगती है तो ज़्यादा दही डाल सकते हैं, और ज़्यादा मॉइस्चर रह जाता है तो बेसन की क्वांटिटी बढ़ाएं। हार्ड डो तैयार करने के साथ ही इसे बेलना है। इसके लिए चकला पर बेसन या तो जिस सूखा आटा को डालकर आप रोटी प्रिपेयर करते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बेसन का डो थोड़ा चिपचिपा होता है और चकला बेलन पर चिपकने लगता है। रोटी की लोई से थोड़ी छोटी लोई लें, बेसन बीच बीच में लगाते जाएं और पलटते हुए रोटी की तरह इसे पतला बेलें, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, आसानी से आप बेल पाएंगे। इस तरीके का चॉपस्टिक लिया है मैंने, आपके पास अगर ना हो तो किसी स्ट्रॉ का या कोई साफ सुथरी पेंसिल का इस्तेमाल करके इस तरीके से इसके ऊपर रोल करते जाएं, ना तो ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला। लास्ट में यहाँ पर हल्का पानी लगा रही हूँ मैं, जिससे ये आसानी से चिपक जाता है, और 1 से 2 बार उंगली से प्रेस करें, अच्छे से चिपक जाता है। फिर चॉपस्टिक को आराम से निकाल लें। सारे रोल्स को ऐसे ही तैयार करके रखें। अब एक पतीले में पानी डालकर आंच पर चढ़ाया मैंने, अच्छा उबाल आ जाए तभी एक एक करते हुए सारे रोल्स डालने हैं, पर जब डालते हैं तो उबाल इसका धीमा हो जाता है, तो रुक कर तेज उबाल आने का वेट करें, उसके बाद ही आगे की रोल्स डालें। तेज आंच पर ढकते हुए इसे पकने दें। उबाल आ रहा है तो लिड हटाकर चेक कर लें। देखिए सारे रोल्स ऊपर आ गए हैं, यानी पकना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से चलाकर दिखा रही हूँ आपको, सारे रोल्स ऊपर आ चुके हैं। अब वापस से लिड लगाकर धीमी आंच करें और इसे 8 से 10 मिनट के लिए पकने दें। 8 मिनट हो चुका है तो मैंने लिड हटाकर देखा है ये पक चुका है, और इसका तरीका भी आपको दिखाती हूँ चेक करने का। एक रोल को निकाल दिया है मैंने और सारे रोल्स एक एक करके ऐसे ही निकाल दूंगी, और ध्यान से देखें इस पर ब्लिस्टर्स आ गए, यानी फफोले होते हैं ना, उस तरीके से इसमें चकते आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। ठंडा करने के बाद ही आधी उंगली की पीसेस में से कट कर ले। दोनों रेसिपीज़ का बेस यहाँ तक सेम ही है, और बीच में होल बनाने से ये काफ़ी सॉफ्ट बना रहता है। पहली रेसिपी के लिए एक कढ़ाई को आंच पर चढ़ाकर इसमें तेल डाला है मैंने। मैंने तिल के तेल का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी तेल लें, साबुत जीरा, राई
डालकर आंच धीमी करें। फिर करी पत्ता और सफ़ेद तेल डाला है मैंने, इसे आधा मिनट धीमी आंच पर भून लें। फिर लाल मिर्च को कट करके डाला है और चुटकी भर हींग डाला है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करें। फिर हरी मिर्च को चीरा लगाकर डालें और तैयार करके रखे हुए रोल्स में से आधा यहाँ पर डाल दें। ये एक नाश्ता प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो सूखी सब्जी भी कह सकते हैं। अच्छी तरीके से करारा होने तक भुनें। अब काला नमक और चाट मसाला डालकर ज़्यादा चटपटा बना सकते हैं। साथ ही बंद करने के बाद नींबू का रस भी इसमें अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी है, गर्मा गर्म ये सब्जी। या तो स्नैक्स आप पार्टी में स्टार्टर के रूप में रख सकते हैं, चटनी या सॉस के बिना भी टेस्टी लगेगा। करी पत्ता, तिल वगैरह का यहाँ पर फ्लेवर काफी अच्छा आता है। इसे आप बना कर रख सकते हैं और गर्म करके भी खा सकते हैं, और भी अच्छा लगता है क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसमें आ जाते हैं। दूसरी रेसिपी के लिए सेम कढ़ाई को आंच पर चढ़ाया मैंने और इसमें 4 से 5 चम्मच तेल डालकर गर्म किया है। फिर साबुत जीरा और बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज डालें। साथ में प्याज को गलने के लिए नमक डाला है। ये सब्जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करी बनाने का ये तरीका आप ध्यान से देखें, अलग टेस्ट आएगा। मीडियम फ्लेम पर ट्रांसलूसेंट होने तक प्याज को पकाएं। फिर चुटकी भर हींग और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसका कच्चापन निकलने तक पका लें। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, और इसे धीमी आंच पर 1 मिनट तक ऐसे तेल के रिलीज होने तक फ्राई करें। फिर एक टमाटर को मिक्सी के जार में ग्राइंड करके डाला है मैंने। साथ में इसे गलने के लिए नमक भी डाल दें और तेल के रिलीज होने तक वापस से पकाएं। तेल रिलीज हो रहा है, आंच धीमी कर लें क्योंकि दही डालनी है। तेज आंच पर दही फट सकती है। 2 चम्मच ताजी और गाढ़ी दही डालकर इसे तेल के रिलीज होने और मसाले के पकने तक फ्राई करें। फिर इसमें रोल्स को उबालने में जो पानी बचा था उसे 1 कटोरी यहाँ पर डालकर मिक्स करें, क्योंकि उसमें बेसन के कुछ अंश हैं और फ्लेवरफुल भी है। उबाल आ चुका है तो वापस से और भी जो बचा हुआ पानी है वो डाला है मैंने। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें। करी में जब उबाल आ जाए तभी उबाल कर और आधे बचा कर जो पीसेस रखे थे उसे यहाँ पर डालें। मिक्स करने के बाद करी के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। फिर लिड लगाकर धीमी आंच पर इसे 6 से 7 मिनट या तो करी के गाढ़ी होने तक पकने दें। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। बारीक कटी धनिया पत्ती डालें। रोल्स में होल होने की वजह से ग्रेवी अच्छे से अंदर गई है, ग्रेवी गाढ़ी है, साथ ही रोल्स टूटे नहीं हैं अच्छे से उबालने की वजह से। गर्मा गर्म इस करी को आप रोटी, चावल, पूरी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पार्टी में भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपीज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।